Okay guys, so in this video we'll be discussing about the head tag and the paragraph tag. और फिर हम लोग कुछ important tags देखेंगे जिससे आप text का formatting change कर सकते हो. And this is going to be a long video. और in fact इतना कुछ cover करना है कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से, so that मैं भूल ना जाऊँ. ठीक है, comment में मैंने लिख रखा है. या वन थिंग दैट आई फॉरगॉट इन द लास्ट वीडियो कि अगर आप चाहो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको एक सही तरीके से फॉर्मेट में लिखना चाहिए HTML, आप वो डायरेक्टली लिख सकते हो इफ़ यू जस्ट यूज सबलाइम टेक्स्ट बाय जस्ट प्रेसिंग एंटर. ये देखो, ऑटोमेटिकली जो भी मैंने आपको बताया था वो आपके स्क्रीन पर आ गया. ठीक है, इसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाला है. और सबलाइम टेक्स्ट ने फीचर दे रखा है कि आप बार बार क्यों लिखोगे, आप बस HTML टाइप करो और एंटर मारो, आपको ये कोड मिल जाएगा. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अब लिख रहे हैं हेडिंग पैराग्राफ्स एंड टाइपोग्राफी. ओके, ये हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस इज हेडिंग. सो HTML डॉक्यूमेंट में यू कैन क्रिएट हेडिंग्स, और हेडिंग में भी देर आर सिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडिंग्स दैट यू कैन क्रिएट, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. और इन छह में डिफरेंस क्या होता है साइज का, आई शो यू क्विकली. सो हम सबसे पहले हेडिंग देख रहे हैं. सो ध्यान से देखना, ये रहा H1, आई कैन जस्ट राइट हेडिंग 1 एंड देन वॉट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट 5 मोर टाइम्स. थोड़ा सा लेंदी है बट आई गेस आपको समझ में आ जाएगा. सो आई विल सिंपली एडिट थिंग्स, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज अगेन 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट. अगर मैं इस कोड को सेव करूँ और अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसको रन करूं, यू कैन सी ये रहे आपके सारे हेडिंग टैग्स. सी, H1 सबसे बड़ा है, हेडिंग 2 एज इन H2 से छोटा है एंड ग्रेजुअली वो साइज़ कम होते जाता है. ठीक है, तो जनरली हेडिंग के लिए H1 यूज़ किया जाता है और सब हेडिंग के लिए इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. टू बी ऑनेस्ट, आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो जब आप CSS पढ़ोगे, आप ये सीख जाओगे. बट फॉर नाउ दीज आर द 6 वेरियस हेडिंग्स दैट यू कैन यूज़. ओके, नेक्स्ट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैराग्राफ्स. सो पैराग्राफ बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको कभी भी कुछ पैरा ऐड करना है तो आप पी टैग यूज कर सकते हो. सो आई विल जस्ट राइट पैराग्राफ्स. ओके, इन फैक्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली गो टू सम वेबसाइट जहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट उठा पाऊँ, जैसे lipsum.com. यहाँ पे पहले से टेक्स्ट मिल जाता है. अजीब वेबसाइट है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए है. सो या मैंने इसको कॉपी किया इतने टेक्स्ट को, और यहाँ पर यूजिंग द पी टैग, पैराग्राफ में पी टैग होता है, उसके अंदर आई सिंपली पेस्ट दिस एंटायर थिंग. सो यू कैन सी दिस इज अ पी टैग, आई शो यू. आप ऐसे लिखोगे तो ये सबसे सही फॉर्मेट है. लाइक सॉरी, अगर आप ऐसे लिखोगे, ओके समाओ ये हो नहीं रहा है. या सो अब ये सही से फॉर्मेटेड है, सब पी के अंदर ही सब कुछ आता है. ठीक है, आई विल शो यू ये कैसा दिख रहा है. इफ यू गो बैक एंड रीलोड, ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ. ओके, सो बहुत सिंपल है पैराग्राफ ऐड करना, आप हमेशा पैराग्राफ पी टैग यूज करके ऐड करते जाओगे. ठीक है, अब दो नए टैग्स हम लोग सीख रहे हैं. जैसे एक टैग होता है HR टैग. सो HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, और ये एक एम्प्टी टैग है. एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है कि ये ओपन होता है पर क्लोज नहीं होता. ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं HR टैग के बाद फिर से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंड यू विल सी मैं क्या बोल रहा हूँ. सो अब मेरे स्क्रीन पे दो पैराग्राफ्स आने चाहिए, एंड ध्यान से देखना, उनके बीच में यू विल सी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज बिकॉज ऑफ दिस HR टैग. ओके, सो आई होप समझ में आ गया HR टैग का काम क्या है. ओके, नेक्स्ट इज कि यू कैन एक्चुअली डू लाइन ब्रेक्स. अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप लाइन चेंज कर सकते हो. जैसे मुझे 1960s के बाद लेट्स से लाइन चेंज करना था, आई कैन पुट अ BR टैग विच इज़ अगेन एन एम्प्टी टैग, ओपन होता है क्लोज नहीं होता. सो अगर मैं वापस जाऊँ और इसको रीलोड करूँ, यू विल सी 1960s के बाद एक लाइन ब्रेक आ गया. अगर आपको एक और लाइन ब्रेक चाहिए तो आप एक और BR टैग डाल दो. और बाय द वे गाइस, मैंने शायद बताना भूल गया, मैं केस सेंसिटिव नहीं है HTML. सो अगर आप कैप्स में लिखो या स्मॉल में लिखो,
एरर थ्रो नहीं करेगा, काम हो जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सब कुछ स्मॉल में लिखो, इट्स गुड प्रैक्टिस. ओके, सो मैंने दो br टैग्स ऐड किए और यू कैन सी अब यहाँ पे बीच में एक और लाइन आ गया. ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कितना ईजिली आप ये काम कर पा रहे हो. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं. ठीक है, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज बेसिकली टेक्स्ट को आप कितने अलग अलग ढंग से लिख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बोल्ड. ठीक है, सो मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ और उस पैराग्राफ के अंदर आई एम राइटिंग दिस टेक्स्ट इज रिटन इन बोल्ड. ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट टू डू इट, वॉट यू कैन डू इज यू कैन पुट दिस इन साइड द बी टैग लाइक दिस. ठीक है, और आप पी टैग के अंदर दूसरे टैग्स यूज कर सकते हो, आप एक HTML टैग के अंदर दूसरा HTML टैग यूज कर सकते हो, और हमने वही किया, पी टैग के अंदर बी टैग यूज किया. ठीक है, जैसे हम इसको सेव कर रहे हैं और रीलोड मार रहे हैं, यू वुड सी हमारा जो टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यू कैन सी दिस टेक्स्ट इज रिटन इन बोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो डू थिंग्स इन इटैलिक्स, एंड उसके लिए देर इज अ टैग कॉल्ड आई टैग, दिस वन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस टेक्स्ट इज रिटन इन इटैलिक्स या इटैलिक. ओके, और अब मैं फिर से इसको रीलोड करता हूँ एंड यू कैन सी ये उसके आगे इटैलिक्स में लिखा हुआ है. ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट इन अंडरलाइंड, सो आई विल गो डाउन एंड आई विल राइट यू टैग, सॉरी दिस शुड बी यू एंड दिस इज underlined like this, and if you reload this, you see this is underlined. Okay, so you can see कितना easy है ये सब कुछ करना. अब हम लोग कुछ और देखते हैं. आई डोंट इवन रिमेंबर क्या पढ़ाना था. या सो हमने H1 टू H6 कर लिया, हमने P टैग कर लिया, हमने HR और BR कर लिया, हमने ये तीनों भी कर लिया. या नेक्स्ट इज मार्क एंड डिलीट. ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग. सो लेट मी फर्स्ट शो यू वॉट इज मार्क. सो मैं एक BR क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँ, और यहाँ पर लेट्स क्रिएट, लेट्स राइट दिस इज अ मार्क्ड टेक्स्ट. ठीक है, और ये जो मार्क्ड वर्ड है इसको मैं मार्क टैग के अंदर डाल रहा हूँ लाइक दिस. ठीक है, मार्क टेक्स्ट के अंदर डाल रहा हूँ. सो इससे क्या होगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलेगा. ठीक है, आई विल शो यू, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो यू कैन सी मार्क्ड ये कर रहा है. देखो आपका ये मार्क्ड वर्ड जो था ये येलोइश बैकग्राउंड में आ गया जस्ट टू शो दैट दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप कभी ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो और आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे आप बुक्स में यू नो यू यूज़ दोस येलो कलर मार्कर्स. सो आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट इज डिलीट. डिलीट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट बेचना था, आपको एक प्रोडक्ट बेचना था, और लेट्स से प्रोडक्ट का नाम है रेडमी नोट 5. ठीक है, और रेडमी नोट का आपको प्राइस लिखना था रुपीज़ लेट्स से 10,000. बट आपने क्या किया, उसको कट कर दिया यूजिंग द डेल टैग लाइक दिस, और आपने फिर उसके बाद स्पेस लगा के लिख दिया कि इट्स नाउ इन 8,500 रुपीज़ लाइक दिस. सॉरी, या लाइक दिस. ओके, सो नाउ यू कैन सी, ये आपने बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में भी देखा होगा, ये चीज़ हो जाता है. ये देखो, सो 10,000 कट गया और उसके बदले में 8,500 आ गया. ये आपने शायद बहुत जगह देखा भी होगा. ठीक है, तो आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. या नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट. सो या लेट मी शो यू. ओके फाइन, लेट्स से मैं एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि उस पैराग्राफ में बहुत काम हो गया. एक नया पैराग्राफ क्रिएट करते हैं पी टैग, और इसमें मुझे CO2 दिखाना है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँगा तो यू वुड सी कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है. 2 C और O सब एक जैसा दिखाई दे रहा है, बट यू नो कि 2 थोड़ा नीचे आना चाहिए, राइट? और इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. सो वॉट वी विल डू इज हम 2 को SUB टैग के अंदर डाल देंगे लाइक दिस सब. और अब आप जैसे इसको रीलोड करोगे यू वुड फाइंड आउट कि CO2 प्रॉपरली लिखा हुआ है. सो आप सबस्क्रिप्ट बहुत ईजिली कर सकते हो. आई विल ऑल्सो शो यू द एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट. सो लेट्स से मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 2
एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करूँ तो एक्स स्क्वायर में एक्स और टू एकदम एक जैसे आ रहे हैं, तो हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर में दिखाना है तो आप क्या करोगे, टू को एस यू पी टैग के अंदर डाल दोगे सब, ठीक है। और जब आप इसको रीलोड करोगे अब, तो ये देखो आपका इक्वेशन बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो आई गेस ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। देखो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, आपको बस ये टैग्स याद रखने का, इस जितने आपको टैग्स याद रहेंगे HTML में काम करना उतना ईजी है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको बस याद रखना होता है, और आप याद कैसे रखते हो, जितने ज़्यादा पेजेस पे आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, ठीक है। सो कुछ टैग्स बचे हैं, वो हम लोग जल्दी से कवर करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। सो हमने ये कर लिया सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, लेट्स मूव ऑन टू एब्रीविएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल फॉर्म्स अगर आपको डिस्प्ले करने हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट IPL, और IPL के अंदर आई एम राइटिंग दिस IPL, ठीक है। और इसका मुझे फुल फॉर्म डिस्प्ले करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज, इन फैक्ट आई विल फर्स्ट राइट इट डाउन, ABBR एब्रीविएशन, और इसके अंदर आई विल राइट IPL, और ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते हैं, टाइटल, और ये टाइटल क्या है, एट्रीब्यूट है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ATTR। एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे, फॉर नाउ बस ऐसे समझ लो कि अगर आपको एब्रीविएशन को काम करवाना है तो आपको उसका टाइटल में ये एक्चुअल फुल फॉर्म देना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। और आप जैसे इसको सेव करके रन करोगे, ओके, सो अगर आप एकदम नीचे जाओ, देखो वहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लाइट एक अंडरलाइन किया है, अगर आप उसके ऊपर होवर करके क्लिक करो, या आप सिर्फ होवर करो, देखो वहाँ पे लिखा आ रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। सो ये काम होता है एब्रीविएशन का, ओके। लास्ट दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉक कोड्स एंड साइटेशन। सो ब्लॉक कोड क्या होता है कि इट्स लाइक जैसे किसी ने कुछ कोट किया, किसी ने कुछ कहा, वो आप बताना चाहते हो। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो और आप किसी न्यूज़ वेबसाइट का ब्लॉग लिख रहे हो, तो किसी मिनिस्टर ने कुछ कहा, उसको एक अलग ढंग से आप दिखाना चाहते हो, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो ब्लॉक कोड्स, ओके। सो मैं यहीं पर कर देता हूँ। सो आप ऐसे लिख सकते हो, द मिनिस्टर सेड, ठीक है। और उसके नीचे आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कोट यूज़ कर सकते हो, एंड कुछ भी लिख सकते हो, वी विल फाइट हार्ड टू एंड दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जब इसको सेव करके आप रन करते हो और रीलोड करते हो, तो ये रहा गाइस, देखो स्लाइट इंडेंटेशन पड़ा, दैट्स इट, बस इतना ही होता है, मतलब कुछ खास नहीं है। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक इंडेंटेशन आ जाता है आपके वेब पेज में, और वही सिग्निफाई करता है दैट इट्स अ ब्लॉक कोड, ठीक है। आप इसको और स्टाइल कर सकते हो यूजिंग CSS, बट वो हम लोग बाद में करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज साइटेशन। सो साइटेशन क्या होता है, साइटेशन आप अगर आप किसी ब्लॉग से साइट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन साइट कर रहे हो, तो यू यूज़ द साइट टैग। आई यूज़ द साइट टैग, यहाँ पे आप लिख सकते हो थॉमस एडिसन रिसर्च पेपर। आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा ये, बट जस्ट आपको दिखाना था। सो ये लिख दिया मैंने, और ये देखो गाइस, बस हल्का सा इटैलिक्स में आ गया, विच शोज दैट साइटेशन। कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, आप इटैलिक्स भी यूज़ कर सकते थे, बस बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज़ द स्मॉल टैग। सो कभी कभी अगर आपको और स्मॉल में लिखना है, लाइक दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट, तो पैराग्राफ के अंदर आपके पास एक डिफॉल्ट ऑप्शन है आप और छोटा लिखने का, ठीक है। आई विल शो यू वो कैसा दिखाई देता है, ऑब्वियसली रीलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जैसे ही आओगे, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सो ये देख रहे हो दिस इज़ अ अलग ढंग से लिखा है, और स्मॉल टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा लिखा है, तो कभी कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट यू हैव इन HTML, जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ करोगे भी। सो जस्ट मेक श्योर आपको ये याद रहे, बिकॉज याद रहना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके फाइन, सो दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिंक्स एंड इमेजेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।